गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री, एंड द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। और इसमें हम लास्ट टाइम 3.3 नान्स इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। इस इक्वेशन में देखिए, हमने देखा था ई सेल जो होता है दैट इज इक्वल टू, एक जनरल रिएक्शन देखा था हमने, एम एन प्लस जो है, कोई एक जनरल रिएक्शन है एम एन प्लस, और ये एक्वस स्टेट में है, उसको जब हम एन इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो उसका रिडक्शन होता है और वो एम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन के लिए हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, ये जो नान्स इक्वेशन है इसका हमारे पास कोई डेरिवेशन नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको लर्न करना है और इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इस नान्स इक्वेशन को अप्लाई करते हैं डेनियल सेल के लिए, और डेनियल सेल, तो डेनियल सेल में आपको पता है दो इलेक्ट्रोड थे, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था और एक जिंक का इलेक्ट्रोड था। तो देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम बात करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करते हैं, तो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर जो रिएक्शन होती थी उसको हमने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो वहाँ पर रिडक्शन की बात करते हैं, और रिडक्शन जिस पे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर Cu2+, और ये जब Cu2+ है इसका जब दो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में रिडक्शन होता है, Cu2+ आयन दैट इज क्यूप्रिक आयन, और आफ्टर गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इट गेट्स रिड्यूस्ड, तो क्या बनता है, Cu S बनता है। अगर आप इस रिएक्शन के लिए, दैट इज़ रिएक्शन एट कैथोड एंड दैट इज़ रिडक्शन, तो इसके लिए अगर आप ई सेल कैलकुलेट करते हैं तो ई सेल कितना आएगा, ई सेल नहीं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब हम बात करेंगे तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोड के लिए बात करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Cu2+Cu ऐसा लिखेंगे हम, और वो कितना आएगा, ई स्टैंडर्ड किसके लिए, Cu2+Cu के लिए, ठीक है। और उसके बाद में -RT/N, अब N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर being used in the reduction or oxidation process. So here in this case the number of electron that is being used is 2. So here we will write 2 into F. F is what? Faraday constant. And then ln that is natural log. Then 1/. Now here what do we write here generally? The concentration of product upon the concentration of reactant. Concentration means molar concentration. When we are enclosing this in the square bracket, then it denotes molar concentration. ठीक है, so here it is Cu2+ ions. ठीक है, now this is the representation for this reaction. Okay, how to represent Nernst equation for this chemical electrochemical reaction. Now what happens at zinc electrode? Zinc electrode means their anode. Okay, but as a standard we have already assumed by convention that all the reactions will be taken as reduction. So here also we are taking it reduction, that is zinc 2+ ion gains 2 electrons, zinc 2+ ion gains 2 electrons and it forms zinc solid. Okay, now if for this equation if we write the cell that Nernst equation, then it is E zinc 2+ Zn is equal to E naught, and the same reaction zinc 2+ zinc -RT/NF, n की वैल्यू 2 आएगा यहाँ पर, F ln, और इस इक्वेशन की तरह ही सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ zinc 2+ ions, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो ये हो गया रिएक्शन 1 और ये हो गया आपका रिएक्शन 2, या इक्वेशन बोल सकते हैं, सिंपली इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
टू, ठीक है। अगर अब हमें इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन से एक सेल बनाना है और उस सेल का रिएक्शन हम लिखें, तो उस सेल रिएक्शन के लिए नर्न्स इक्वेशन कैसा होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज एस एनोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड दैट इज एस कैथोड, अगर इन दोनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद में जो रिएक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, एंड दिस सेल रिएक्शन फॉर डेनियल सेल। कैसा लिखेंगे हम उसको आफ्टर कंबाइनिंग दिस वन, क्या बनेगा हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए जिंक सॉलिड Cu2+ एक्वस टू वर्टिकल लाइंस एंड देन जिंक 2+ इन एक्वस स्टेट एंड देन वन ऑब्लिक लाइन एंड देन कॉपर सॉलिड, ओके। दिस इज द नोटेशन फॉर सेल रिएक्शन इन डेनियल सेल, ठीक है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ई सेल कैलकुलेट करने का, ई सेल या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, ई आर माइनस ई एल, यानी कि राइट साइड के इलेक्ट्रोड का, राइट साइड के इलेक्ट्रोड का जो सेल का जो इलेक्ट्रोड का जो ई एम एफ है माइनस लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड का ई एम एफ, ठीक है। और हमें इसके अंदर क्या पता है ए बी सी, यानी कि कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन के पोटेंशियल में से एनोड पर होने वाले रिएक्शन का जो ई एम एफ है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। ऐसा कुछ कैलकुलेट करने के बाद में जब हम इसको फाइनली सॉल्व करते हैं, फाइनली हम जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, द वैल्यू ऑफ एन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग यूज्ड इन आइदर कैथोड रिएक्शन और इन एनोड रिएक्शन बट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज 2F, ठीक है। एंड देन ln एंड देन हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज जिंक 2+ आयन एंड द कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ आयन्स। सो दिस इज द एक्सप्रेशन द नर्न्स इक्वेशन फॉर ए डेनियल सेल when the concentration of zinc 2+ ions and the concentrations of Cu2+ ions is not unity, अगर unity होता तो हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो नर्न्स इक्वेशन का क्या एडवांटेज है कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का EMF इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मीन से आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होता है, R की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये तो हो गया R का वैल्यू। अब इस टेम्परेचर का वैल्यू कितना होगा, सपोज द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, देन व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू केल्विन देन इट बिकम्स 298 केल्विन। देन एफ इज व्हाट, फेराडे कॉन्स्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ एफ इज हियर 9 ऑलमोस्ट, we are taking here almost, ठीक है, 96500 कूलॉम, ठीक है। इन सब की वैल्यू जब हम इसमें पुट करते हैं, इसके अलावा ln की वैल्यू को, ln क्या है यहाँ पर, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग जो होता है उसका जो बेस होता है वो e होता है, अंडरस्टूड होता है, लेकिन अगर इस e बेस वाले ln को अगर हमें कन्वर्ट करना हो log बेस 10 में, log बेस
10 में, तो उसके लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 2.303 से। आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2.303, यस, सो आफ्टर ऑल दीज चेंजेज, आफ्टर ऑल दीज चेंजेज, ये जो पूरा वैल्यू है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? देखिए आरटी को हो जाएगा 0.059 अपॉन 2, एफ़ की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है, ओके। और यहाँ पर अब ये जो बेस है इसका बेस कितना हो गया? 10। और इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, जिंक 2+ अपॉन Cu2+, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमें जिंक प्लस 2 आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, और Cu2+ आयंस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू हमारे पास है तो इसकी इक्वेशन की हेल्प से हम ई सेल, दैट इज सेल पोटेंशियल, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी सेल इक्वेशन को, ये तो हमने पर्टिकुलर डेनियल सेल की बात की है, उसके लिए अप्लाई किया है, उसको अपने देखा है कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको जनरलाइज किया जाए, इफ़ वी वांट टू मेक इट इन ए जनरलाइज्ड फॉर्म फॉर ए केमिकल रिएक्शन, देन हाउ टू राइट इट, लुक, यस, नेक्स्ट है, फॉर ए जनरलाइज्ड रिएक्शन, फॉर ए जनरलाइज्ड रिएक्शन, अगर एक जनरलाइज्ड रिएक्शन मान लीजिए एक ऐसा रिएक्शन है ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल डी, ठीक है। अगर इस सेल के लिए हमें, इस रिएक्शन के लिए अगर हमें ई सेल कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शन में, तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एल एन, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की तरफ किसका कॉन्सेंट्रेशन आता है? प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में किसका आएगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है? सी, प्रोडक्ट क्या है? डी, ठीक है। नीचे रिएक्टेंट क्या है? ए, रिएक्टेंट क्या है? बी। अब इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हैं उनका भी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ सी स्मॉल सी, कितने मोल्स ऑफ कैपिटल डी स्मॉल डी, कितने मोल्स ऑफ स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड कितने मोल्स ऑफ कैपिटल बी रिएक्टेंट उसका स्मॉल बी, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर ए जनरलाइज्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है यहाँ पर कि इसके अंदर जब हम लिखते हैं तो डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है प्रोडक्ट, और न्यूमरेटर की फॉर्म में, सॉरी, न्यूमरेटर की फॉर्म में आता है प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आता है रिएक्टेंट, ठीक है। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो डेनियल सेल का एग्जांपल देखा था, उस डेनियल सेल के एग्जांपल में हमने देखा कि ये जो रिएक्शन था इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग फॉर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? इक्वेशन को बैलेंस करना है और उस इक्वेशन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेम करना है। कैसे? देखिए एग्जांपल, आपके पास एक निकल सिल्वर का एक सेल बनाना है, आपको मीन्स एक ऐसा सेल बनाना है जिसके अंदर निकल मेटल विल बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर मेटल विल बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। तो उस कंडीशन में क्या होता है? देखिए निकल जो आयन है 2+, उसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होगा और ये क्या बनाएगा? निकल का सॉलिड फॉर्म में बनाएगा, ठीक है। इन द सेम वे सिल्वर की बात कर रहे हैं हम, सिल्वर के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। सिल्वर के पास चार्ज कितना? +1। एक इलेक्ट्रॉन इसको यूज़ होगा रिडक्शन के लिए और ये बनाएगा आपका सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट है,
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफरेंट है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2Ag प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस Ag, ठीक है। ये बन गया इसका ये वाला फॉर्म, ठीक है। और फिर इसके बाद में अगर हम इसका ई सेल कैलकुलेट करते हैं, ई सेल, ठीक है, तो ई सेल कितना आएगा, ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन N, N की वैल्यू अब देखिए इस वाली इक्वेशन के लिए भी 2 है और इस वाली इक्वेशन के लिए भी 2 है, दोनों के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज 2। सो हियर इट इज 2F, F इज फेराडे कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट LN, अब देखिए यहाँ पर किसको लिखना है ऊपर, और मीन्स ऊपर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसके बारे में भी आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि निकल 2 प्लस जो है उसको हम ऊपर लिखेंगे, निकल 2 प्लस ऊपर आएगा, और यहाँ पर जो सिल्वर है उसके आयंस जो है वो कितना है, Ag प्लस, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा सेल पोटेंशियल, अगर आपने इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए निकल और सिल्वर मेटल का यूज़ किया है तो, ठीक है। सो दिस इज सेल पोटेंशियल फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ओके। सो ये था हमारा नॉन्स इक्वेशन। अब इस नॉन्स इक्वेशन के एप्लीकेशन पार्ट देखने हैं हमें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस नॉन्स इक्वेशन, देर आर 2 एप्लीकेशन पार्ट्स ऑफ दिस नॉन्स इक्वेशन, मीन्स नॉन्स इक्वेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन अचीव और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस नॉन्स इक्वेशन। तो फर्स्ट इसका इक्वेशन है, फर्स्ट इसका यूज है विद द हेल्प ऑफ नॉन्स इक्वेशन द कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है। यस, सो 3.3.1 ये क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है नॉन्स इक्वेशन का, जिसके हेल्प से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम कैसी बोलेंगे यहाँ पर, कैसी कॉल मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे को पता है डेनियल सेल का रिएक्शन, डेनियल सेल में क्या होता है, जिंक जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑब्लिक Cu2+ जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये आपका वर्टिकल लाइन, दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और यहाँ पर जो जिंक होता है ये 2+ फॉर्म में कन्वर्ट होता है एक्वस में, और जो आपका कॉपर है वो कॉपर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, रियली इन रिएक्शन व्हाट इज़ टेकिंग प्लेस, ये जो जिंक होता है इसकी कन्वर्जन होता है जिंक 2+ आयन में, तो क्या होगा, जिंक 2+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, Cu2+ आयन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यानी कि Cu2+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब हमने देखा था क्या, कि जब इस रिएक्शन में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम का जो पोजिशन होता है, कंडीशन होता है, वो हमें अटेन अचीव होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कब अचीव करते हैं हम, जब किसी रिएक्शन के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हाँ इक्विलिब्रियम जो है वो आ गया है, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ पर जो वोल्ट मीटर जो हमने लगाया है डेनियल सेल के अंदर, वोल्ट मीटर जो कि आपका जो पोटेंशियल है उसको, पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेज़र करने के लिए, तो उसका जो रीडिंग है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा, ई सेल बिकम्स 0, ठीक है। ई सेल कितना हो जाएगा, 0, कब होगा, एट इक्विलिब्रियम सेल से हमें कोई भी पोटेंशियल या कोई भी EMF
हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन था, अगर इसकी वैल्यू को हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इक्वेशन कहाँ था हमारा, देखिए इक्वेशन क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन टू एफ एल एन, और यहाँ पर क्या था, जिंक टू प्लस आयन, और नीचे क्या था, सी यू टू प्लस आयन, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है, इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो क्या होता है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको इस वाली साइड को आपको क्या करना है, इधर की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो ई सेल माइनस और स्टैंडर्ड दैट इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये आर टी अपॉन टू एफ एल एन, और ये जो है इसका का ऐसा ही रहेगा, अब हमें ये इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ई नॉट सेल का जो वैल्यू है वो हमें पता है, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, कितना होता है उसका वैल्यू, 1.1 वोल्ट डैनियल सेल के लिए हमने ये कैलकुलेट किया था पहले, ठीक है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और एल एन को कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग में, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और एफ की वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब इन सभी की वैल्यू को हम पुट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो है वो क्या होता है, केसी होता है, तो इस केसी को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, आर टी अपॉन एफ दैट इज टू एफ, एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको 2. ये अलग चीज़ है, ठीक है, 2.303 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और इसका बेस क्या है, 10, लॉग बेस 10, ये हो गया केसी, और इसकी वैल्यू है 1.1 वोल्ट, ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1.1 वोल्ट, ठीक है। अब इसको अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो क्या आता है आंसर, देखिए लॉग केसी इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1.1 इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2f को इंटू 2 इंटू एफ, एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे अपॉन 2.303 आर टी, इन सबको जब आप सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है इसकी वैल्यू, लॉग के सी इज इक्वल टू 37.288, लॉग के सी इज इक्वल टू 37.288, ये इसकी वैल्यू आती है। ध्यान रखना के सी का यूनिट नहीं होता है इस केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है ऊपर और यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है नीचे, कॉन्सेंट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए के सी क्या है, यहाँ पर यूनिटलेस क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका कोई यूनिट यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, लॉग के सी इज इक्वल टू 37.288, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम किसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, ये क्या है, लॉग के सी है, हमें इस लॉग को रिमूव करना होगा, ठीक है, लॉग के सी बेस 10 दैट इज इक्वल टू 37.288, ठीक है। हमें क्या करना है, केसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, केसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस लॉग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग को रिमूव करने के लिए उसका एंटी लॉग लेते हैं, ठीक है, ऑन टेकिंग एंटी लॉग, तो जब इसका एंटी लॉग लेते हैं तो यहाँ से लॉग हट जाता है, लॉग यहाँ से जब हट जाएगा तो इसका फिर अपने को एंटी लॉग लेना होगा, इस वैल्यू का एंटी लॉग किसका, 37.288 का। तो
अब देखिए एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैसे लॉग का वगैरह का क्या रोल होता है वो आपको पता होना चाहिए। इस बॉक्स में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास मान लीजिए आपको लॉग बेस 10 में 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग बेस 10 में 1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है हमेशा लॉग 1 बेस 10 में 0 होता है, ठीक है। फिर आता है लॉग बेस 10 में 2, लॉग बेस 10 में 2 दैट इज़ द वैल्यू 0.3010, ये भी आपको याद रखना है। फिर आता है लॉग बेस 10 में 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.4771, ठीक है। इसके बाद में आता है लॉग 5 बेस 10 में, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.699, और सबसे लास्ट में है लॉग 7 की वैल्यू बेस 10 में, तो वो कितनी होती है, लॉग 7 होता है 0.8450, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए एक और सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपको लॉग एम एन, लॉग एम एन अगर इसको सॉल्व करना है बेस 10 पे, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ये जो स्मॉल एन है वो आगे आ जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, क्या कि हमें क्या करना है 10 टू द पावर 10 का हमें लॉग कैलकुलेट करना है। क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है बेस 10 पे। अच्छा, इसमें लॉग 10 की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 10 10 पर वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे इन दिस वे, इसका भी बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है, लॉग 10 टू द पावर 10, तो जब ये m है 10, बेस यहाँ पे सेम है, n जो है वो क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है दैट इज़ पावर, और इस पावर को जब आप इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये पावर उठकर लॉग से पहले आ जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये जो पावर है ये क्या हो जाएगा, उठ के इधर आ जाएगा, और अब लॉग 10 जो है, लॉग बेस 10 पे वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 10 का जब आप बेस 10 पे लॉग लेते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 10, ठीक है। इन द सेम वे एक और कैलकुलेशन देखिए, लॉग बेस 10 पे अगर आपको 10 टू द पावर 37 लेना है तो इसका आंसर कितना आएगा 37, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये 37 आ रहा है, इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 37 जाएगा, क्यों, क्योंकि 10 टू द पावर 37 का लॉग क्या होता है 37 होता है, प्लस अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का हमें एंटी लॉग लेना है, तो ये जो वैल्यू है वो किसके नियर बाई है, देखिए यहाँ पर ये 0.4 है, ये यहाँ पर 0.288 है, तो जब आप इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये 0.3 बनता है, 0.3, और 0.3 में आपका लॉग 2 आ रहा है, ठीक है। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, यहाँ पर ये कितना है 0.3 राउंडिंग ऑफ करने के बाद, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। यानी इस वैल्यू के लिए एंटी लॉग कितना होगा 2 होगा, और ये किसकी आंसर है, केसी की, केसी का वैल्यू है, तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका केसी का रिलेशन, किसके साथ, इक्विलिब्रियम नान्स इक्वेशन की हेल्प से हम केसी दैट इज़ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद की जो बात है जिसको हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, नॉन इक्वेशन का जो सेकंड एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।